आपका परिचय? मेरा नाम विशाल सेन है, मैं सीकर जिले से रहने वाला हूँ। पिछले साल मेरे 2023 में 608 नंबर थे, तो फिर मैंने वापस TLC को चुना अपने अगले साल के रिजल्ट के लिए। फिर मैं यहाँ पे आया तो फिर मेरे बॉस ने यही बोला था कि 2024 में अपने को 700 चाहिए, फिर मैंने यहाँ प्रिपरेशन की और आज मैं 710। जब आपने एडमिशन लिया, आपने नीट की तैयारी कर रहे थे, क्या एक्सपेक्टेशंस थी आपको CLC से? जब मैं CLC आया तो मैं पहले से ये सोच के आया था इस साल जब वापस आया कि यहाँ पे मेरे को अच्छा वातावरण मिले, अच्छे फैकल्टीज मिले, अच्छा नाइट कैंप वो हमें पिछले साल मिलता था, तो उसको लेके मैं वापस आया इस साल। और बाकी CLC का वातावरण बहुत अच्छा रहा पूरे साल। पूरे साल आपका CLC के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप नीट के लिए तैयारी कर रहे थे? जब हम CLC में शुरुआत में आए तो हमारे शुरुआत में माइनर हुए, उसके बाद रिव्यू टेस्ट हुए, उसके बाद हमारी टेस्ट सीरीज चल रही और लास्ट में हमारे मैराथन हुए, जिससे हमारे बहुत अच्छे प्रिपरेशन। बॉस का रोल कैसा रहा आपकी इस पढ़ाई के दौरान, नीट की तैयारी के दौरान? CLC में जो मेन रोल है वो तो बॉस का ही रहता है, और हालांकि इस साल बॉस के साथ साहिल सर का बहुत योगदान रहा। बॉस हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे और मोटिवेशन सेमिनार होते ही रहते हैं। फैकल्टीज़ के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, फैकल्टीज़ ने कैसा पढ़ाया? क्या जो एक इंस्टीट्यूट सोचता है कि बच्चे अच्छा स्कोर करें, ज़रूरी है कि फैकल्टीज़ भी अपना 100% दें, कैसा एक्सपीरियंस था? CLC की फैकल्टी तो बहुत बहुत बेस्ट है, और यहाँ पे जो सारे टीचर है वो सारे सेम है, और सारे टीचर है वो अपने आप में बहुत बेस्ट है। नाइट कैंप, असेंबली और टेस्ट सीरीज, ये कितनी फ्रूटफुल थी आपके 710 के एक्सपेक्टेड स्कोर को अचीव करने में? CLC की जो सबसे यूनिक चीज़ है वो नाइट कैंप, और जो यहाँ शाम को असेंबली होती है वही है, और ये जो असेंबली और नाइट कैंप ये आप अन्य किसी क्वेश्चन में नहीं मिल पाएगी। एग्जाम में स्कोर करने का प्रेशर आपने कैसे हैंडल किया, जो कोचिंग की वजह से भी होता है, पेरेंट्स की वजह से भी होता है? जब मैं वहाँ पेपर दे रहा था तो मेरे को ऐसे शुरुआत में जरूर थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन बाद में जैसे मैं आगे पेपर रखता रहा तो अपने CLC में जो पेपर होते थे वैसा ही मेरे लगा, पर सेम सा ही था, ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं था। स्पीड और एक्यूरेसी की, आप 3 घंटे 20 मिनट में पूरा पेपर कर पाओ, उसके लिए तैयारी? नीट के पेपर में जो मेन जरूरी है वो स्पीड और एक्यूरेसी है, तो वो हमने CLC से पहले सीख लिया था, तो हमें ज़्यादा कुछ दिक्कत हुई नहीं पेपर। ओके, आने वाले समय में जो भी लोग CLC एडमिशन लेंगे या आपके साथी जो कुछ नंबरों से रह गए हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? आप जिनका इस बार नहीं, मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ कि आप CLC पर विश्वास करो, अगले साल आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा।